से ट्रैवलिस्ट वीलॉग्स में आपका स्वागत है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अगले हफ्ते लेकर जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में थोड़ा सा ठंडा मौसम था आज, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी इनफैक्ट, और मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ। चंडीगढ़ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता, उसकी कैपिटल में। तो यहाँ से चंडीगढ़ से फ़्लाई करूँगा मैं पहले दिल्ली को, दिल्ली से फिर मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो कि कोलकाता लेके जाएगी मुझे कल सुबह। ये बीच में 10 घंटे मुझे कैसे बिताने हैं ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे सीधी फ़्लाइट पे मिल नहीं रही थी तो ये कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली है जिसमें 10 घंटे का हॉल्ट है दिल्ली में। तो दिल्ली IGI पहुँच के आपको फिर से अपडेट करूँगा कि क्या होने वाला है, और तब तक बने रहो आप और देखते हैं क्या बनता है दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच के। अभी तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हूँ। मौसम थोड़ा सा, थोड़ी धूप तो निकली है, सुबह बरसात हो रही थी चंडीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा और ठंडा मौसम था, अभी थोड़ी सी धूप है। गाइज अभी वेट कर रहा हूँ मैं अपनी फ़्लाइट की, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए बोर्ड होना है मुझे, बोर्डिंग पास मैंने ले लिया। आपको एक चीज़ दिखानी है मुझे यहाँ पर एयरपोर्ट पर, कहाँ है ये देखो, ये बर्ड बड़ी देर से घूम रहे हैं यहाँ पर एंड बड़ी कैजुअली घूम रहा है ये यहाँ पे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि कबूतर, वैसे तो कबूतर घूमते हैं पर ये अंदर है एक्चुअली, ये आप देख सकते हो एयरपोर्ट के अंदर है ये, बड़ा कैजुअली घूम रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। खैर गाइस पिजन्स ना यहाँ पे आराम से घूम रहे हैं, मतलब एक नहीं है यहाँ पे, मैं आपको और दिखाता हूँ। एक तो ये आ गया, ये देखो मेरे पास, ठीक है, और एक दो उधर घूम रहे हैं, बहुत कैजुअली यहाँ पर पिजन्स घूम रहे हैं। 10 पे फ्लाइट का टाइम है और फाइनली बोर्ड कर गया हमने चंडीगढ़ से की फ़्लाइट दिल्ली के लिए। अभी दिल्ली के लिए फ़्लाइट बोर्ड की है, हेडेक होने लग गया मेरा, देखते हैं आगे क्या होता है। दिल्ली से, दिल्ली में रुकना पड़ेगा 8-10 घंटे का हॉल्ट है, उसके बाद फिर फ्लाइट होगी कोलकाता के लिए। गाइस फाइनली पहुंच गया हूं मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और मेरी फ़्लाइट सुबह 7 बजे की है। अब और से पहले मुझे यहीं पे जा के ही काटनी पड़ेगी रात, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है, कोई लाउंज नहीं है, कुछ नहीं है जहां पे मैं आराम से बैठ सकूं या सो सकूं। तो मुझे, मैं सबे आया हूं, बस देखता हूं कुछ खाने के लिए यहां से लेके फिर सुबह। फाइनली नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं आ गया हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कोलकाता दिखाऊंगा, कोलकाता का खाना खिलाऊंगा, और उसके लिए मैंने पता किसको बुलाया है आपको बताऊं, मिलवाऊं मैं उनसे। आपने फिल्म देखी होगी है अपना दिल तो आवारा, और उसके बाद अब कुछ इंग्लिश मूवीज़ में को लेके आ रहे हैं हमारे पास, उससे प्रोड्यूसर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, अश्विनी कुमार, मिल लो। हेलो भैया। तो भैया आज हमें घुमाओगे ना आप कोलकाता? श्योर। और कोलकाता में घूमते हुए हम खाएंगे यहाँ का स्ट्रीट फूड भी खाएंगे, हमारे साथ भैया भी हैं ये भी खाएंगे, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ बाहर से अब पहले कोलकाता। चलो भैया। मैं थी और चंडीगढ़ का टेम्परेचर था 3 डिग्री गाइज, और यहाँ का टेम्परेचर 18 डिग्री, मैंने अभी देखा तो 15 डिग्री और 18 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट कर। कोलकाता में ना मुझे फीलिंग आ रही है जैसे मोहाली का एरिया होता है ना कुछ, मैं दिखाता हूँ आपको, आपको भी आएगी। ये देखो हम पुल के नीचे खड़े हैं और यहाँ से देखोगे ना आप तो ये वो एरिया जैसे बन रहा है ना, जो 82 सेक्टर और आगे के सेक्टर्स हैं जो, खैर पूरा हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही है, इंडिया तो इंडिया ही है। फाइनली चेक इन कर लिया मैंने होटल में, ये होटल द पार्क है, 5-स्टार होटल है पार्क स्ट्रीट पे, और ये रूम है मेरा, अब देख लो एम्पल स्पेस है, काफ़ी अच्छा रूम है। ये बालकनी है यहाँ पे, मैंने इनसे डिमांड की थी कि स्ट्रीट व्यू होना चाहिए लेकिन उन्होंने अपने ही पार्क व्यू दे दिया।
अभी खाना ऑर्डर करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे भी खा के, और फिर बाहर आपके लिए तो शूट करना ही है मुझे स्ट्रीट फूड के बारे में, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कोलकाता का स्ट्रीट फूड खाएंगे हम सब, और मैं दूंगा उसका रिव्यू फिर आपको कि कैसा है खाना।